नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 30 मार्च 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट अपडेट ऑन कोरोना वायरस। जो भी कोरोना वायरस की अपडेट अभी फ़िलहाल के लिए है उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 2019 में जो आया था कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल जो है वो लॉन्च किया है। तो सेल्फ असेसमेंट टूल जो है वो लॉन्च किया है अभी हाल ही में गोवा राज्य ने। डी ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये सेल्फ असेसमेंट टूल जो है ये होता क्या है। इस सेल्फ असेसमेंट टूल का मतलब ये है कि कोरोना से संक्रमित जो भी व्यक्ति है या जो भी खुद को सस्पेक्टेड मानता है वो गोवा सरकार द्वारा एक जो है किट दी जाएगी, जिससे वो खुद ही जो है इसकी चेक, इसका जो मतलब रिस्पॉन्स है या इसका जो टेस्ट है कोरोना वायरस का वो खुद ही कर सकता है, चेक कर सकता है। तो ये है सेल्फ असेसमेंट टूल, ये गोवा ने जो है वो शुरू किया है। और गोवा सरकार ने अमेरिका की हेल्थ केयर जो एनालिटिक्स कंपनी है जिसका नाम है इनोवेसार, इसके साथ में समझौता किया है इस चीज़ के लिए। बात करें गोवा की तो भारत का सबसे छोटा सा राज्य है। थोड़ा सा जूम करके मैप में आपको दिखाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है प्रमोद कुमार सावंत, ठीक है। प्रमोद कुमार सावंत जो है वो है गोवा के मुख्यमंत्री। और दूसरी अगर बात की जाए गोवा के राज्यपाल, उनका नाम है सत्यपाल मलिक। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस वीडियो का हमें पीडीएफ फाइल चाहिए होता है इन क्वेश्चनों का। तो आपको पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में जाके बिना स्पेस दिए सुनील स्टार सर, ठीक है, ये सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे हर रोज मैं ये डेली करंट अफेयर का वीडियो का लिंक और के साथ में जो है पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं वहाँ पे सेंड किया करता हूँ। चलिएगा सवाल हमारा ये कि हाल ही में एनटीपीसी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है। एनटीपीसी ने अभी हाल ही में THDC और NWPCO इन दोनों ही कंपनियों का जो है अधिग्रहण किया है। सी ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अब सबसे पहली तो बात है NTPC का फुल फॉर्म इसमें है इम्पॉर्टेंट। NTPC का जो फुल फॉर्म है आपका वो है कि नेशनल थर्मल, NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और बात की जाए अगर THDC, इसका फुल फॉर्म है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और NWPCO का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, और के साथ साथ आपको ये भी याद रहना चाहिए कि NTPC ने केंद्र सरकार की तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी के साथ में जो है इसको अधिग्रहण किया है। NTPC की अगर बात की जाए तो NTPC जो है NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ही। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे CBDT, ठीक है, CBDT का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। CBDT के बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बोर्ड के नए सदस्य के रूप में अभी हाल ही में जो नियुक्त किया गया है इन दोनों को ही नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन है आपका सतीश कुमार गुप्ता और बी ऑप्शन जो है वो है मोहन प्रसाद, इन दोनों को ही जो है वो नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का। और बात की जाए इन दोनों को नियुक्त किया गया है तो मौजूदा अध्यक्ष कौन है CBDT के, तो CBDT के मौजूदा अध्यक्ष का नाम है प्रमोद चंद्र बोधी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन दोनों को आप फोटो में देख लीजिएगा, ये है कृष्ण मोहन प्रसाद और ये है सतीश कुमार गुप्ता।
सीबीडीटी का फुल फॉर्म भी आपको याद रहना चाहिए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी बोर्ड मेंबर्स। अगला जो हमारा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट को लॉन्च किया है। केवल 5 मिनट में जो है कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाएगी, ये अमेरिका ने किया है, अमेरिका ही ऐसा कर सकता है। ए ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अमेरिका में आपको बता दूं मैं, आज के दिन में सबसे ज़्यादा मामले हैं, मामले 1,25,000 से भी ज़्यादा जो हैं वो बढ़ चुके हैं और तकरीबन 2,000 प्लस केसेस ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। नंबर वन है दुनिया में अमेरिका जो कोरोना वायरस के टेस्ट के मामले में, तो और ज़्यादा ये एक्चुअल में इसके नंबर ऑफ केसेस इसलिए है क्योंकि ये सब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुकाबले में बात की जाए तो अमेरिका जो है केवल 5 ही मिनट में, जहां हमारे इंडिया में 2 से 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अमेरिका ऐसी किट जो है तैयार कर चुका है ऑलमोस्ट। अमेरिका की बात करें तो मैप में देखिएगा, ये है अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है, करेंसी अमेरिकी डॉलर है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में COVID-19 से संक्रमित लोगों को रोबोट दवा मुहैया करवाई जाएगी, रोबोट द्वारा जो है दवाई दी जाएगी ताकि कोई आपका नर्स है या कोई भी व्यक्ति डॉक्टर वगैरह उनके पास जाएंगे तो कोरोना से पीड़ित लोगों से अगर संपर्क में रहते हैं तो उनको भी कोरोना होने की काफ़ी हद तक संभावना रहती है, इस वजह से रोबोट द्वारा दवाई जो दी जाएगी वो जयपुर के हॉस्पिटल्स में जो है वो दी जाएगी। डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। जयपुर में एक फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम है आपका सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल। आपने थोड़े टाइम पहले जो है यहाँ की न्यूज़ सुनी थी, एक क्या न्यूज़ सुनी थी कि सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज मिला। देखिएगा हुआ यूँ था कि वहाँ पे 2 इटली के पेशेंट आ गए थे और उन पे HIV की सेकेंड स्टेज की दवाई एट्रोटा करके दवाइयाँ जो है वो अप्लाई की गई और लकीली वो ठीक हुए। हालांकि उनमें से एक कार्डिक रेस्ट की वजह से मर भी गया था लेकिन वो लकीली ठीक हुआ। तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई वैक्सीन का आविष्कार कर लिया गया, अभी सभी को दी ही यही दवाई दी जा रही है, सभी का इम्यून सिस्टम ही मजबूत किया जा रहा है और कोई दवाई तो है ही नहीं। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में ये जयपुर है, जयपुर को बेसिकली राजस्थान की राजधानी और के साथ है पिंक सिटी का दर्जा भी दिया जाता है, राजस्थान की ये पिंक सिटी भी है। राजस्थान की अगर आपसे पूछा जाए कि सन सिटी कौन सा शहर है सन सिटी, तो सन सिटी आपको याद रहना चाहिए एक शहर है राजस्थान में जिसका नाम क्या है आपका जोधपुर, जोधपुर शहर को सन सिटी कहते हैं। अगर राजस्थान में पूछा जाए वाइट सिटी कौन सा है, तो वाइट सिटी का नाम है उदयपुर, वो भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान राज्य का ही है भारत के अंदर। हाल ही में मूडीज ने भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020 का ग्रोथ को घटाके कितना कर दिया है, तो घटाके केवल 2.5% ही कर दिया। मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ता है। हाल ही में किस IIT ने लॉकडाउन के समय छात्रों के लिए प्रोजेक्ट इसाक को लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट इसाक को लॉन्च किया है IIT गांधीनगर ने। अभी खाली बैठे जो स्टूडेंट है ठीक है वो इस टाइम में कुछ नया सीखें और नई टेक्नोलॉजी के साथ में रूबरू हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ समझौता किया है भाई, तो फिट इंडिया मूवमेंट के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। शिल्पा शेट्टी ने 21 दिनों में वजन घटाने के लिए जो है एक कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया है, फिट इंडिया मूवमेंट का ये बैनर जो आपको दिख रहा होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन आर्मी ने अभी जो हाल ही के अंदर आपको बताऊं कि ऑपरेशन जो लॉन्च किया है, ऑपरेशन नमस्ते जिसका नाम है, ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। ये COVID-19 से लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते जो है वो लॉन्च किया है, और ये किसने किया है, ये किया है इंडियन आर्मी के चीफ जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन आर्मी हैज़ कोड नेम्ड
इट्स एंटी कोविड 19 ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशन नमस्ते। अब इसमें होगा क्या ऑपरेशन नमस्ते में? इसमें क्या होगा कि इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो है वो बॉर्डर्स लाइन पे जो है जाके जो है एक लॉकडाउन में हेल्प करेगी, या यूं कह सकते हो आप लोग, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे भी लोगों को क्या कहते हैं शेल्टर्स होम देने होते हैं, या लोगों को खाना प्रोवाइड करना होता है, या व्हाटएवर जो भी इस टाइप की सिचुएशंस में हेल्प करनी होती है, वहाँ पे पुलिस के साथ में मिल के काम करेगी ये। और पाकिस्तान एंड चाइना दैट स्पेशल केयर इन बींग टेकन द देयर फैमिलीज एमिड द वायरस। तो ये बातें आपको याद रहनी ही चाहिए। चलिएगा, इतने ही थे आज के हमारे करंट अफेयर। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।